गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी बज रही है सुबह की 2, आप टाइम देख सकते हैं 2:18 हो गए हैं और मैं उठ के तैयार हो चुका हूँ, बिकॉज आज मुझे जाना है हरिद्वार पतंजलि में। मुझे निकलना है यहाँ से 5-10 में, और जहाँ से हमारी बस निकलेगी 3 बजे। तो फिलहाल मुझे 2:45 से बुला रखे हैं, और जो जाने का रीज़न है वो है कि आज 21 जून है। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, और आप सभी को भी योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इस टाइम में जब तेज नहीं भूल रहा हूँ क्योंकि और लोग सो रहे होंगे अपने घरों पर, क्योंकि टाइम बहुत सुबह हो गया है कि यार, मतलब मैं इतनी जल्दी जा रही हूँ 2:30 बजे, समझ लो टाइम क्या होता है। सारे जो सो रहे होंगे इसलिए मैंने ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता हूँ, क्या आपके पास आवाज़ कम आ रही होगी। आज आपको दिखाने वाला हूँ गुरुग्राम पतंजलि हरिद्वार, आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहिए, क्या कुछ होता है वहाँ पर, क्या कुछ देखने को मिलता है मुझे नया, क्या कुछ देखने को मिलता है, कैसे कैसे योग सिखाते हैं। अगर अंदर की वीडियो बनाना अलाउड होगा तो वीडियो में आप वीडियो देख सकते हैं। समय हो गया योग में। माइक लगाओ, माइक लगाओ, समय नहीं और अब शेयर करने में तो बात संतुलन की अपेक्षा लगातार योग को तो आप देख सकते हैं ये है पतंजलि की बिल्डिंग है, यहाँ पर इस साइड भी देख सकते हैं, और ये आप भीड़ देख सकते हैं, आप लोग सब घर जा रहे हैं। और आपको एक बार फिर से योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी भी बाबा रामदेव जी लगे हुए हैं योग करने पर, आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं अभी भीड़ कर रहे हैं योग। और ये पतंजलि की एक बिल्डिंग ये भी है, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर। सुबह आप इस साइड में देख सकते हैं काफी, और यहाँ पर चल रही है फोटो से, और यह पतंजलि वेल है। और इससे पहले देखते आप जिस टाइम पे योग हो रहा था, उस टाइम पूरा ये भरा हुआ था ये पूरा एरिया, और इस तरीके से ऐसे एरिया बहुत सारे हैं जो पूरे भरे हुए थे। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, सारे बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार है यहाँ पर। और इस साइड आप देख सकते हैं बाबा रामदेव जी का भक्त, क्योंकि योग होगा तो जीवन में कोई रोग नहीं होगा, योग होगा जीवन में हिंसा नहीं होगा। सामने देख सकते हैं ये है बाबा रामदेव। ये सारे हैं पतंजलि के स्टूडेंट। और ये है भीड़ वापस के लगी हुई है। तो आप ग्राउंड देख सकते हैं, ये पूरा भी भरा हुआ था, और ये लाइनें भी पूरी भरी हुई थी, और पूरा खाली होता हुआ, क्योंकि लोग सब घर निकल रहे हैं।
बिकॉज जिस टाइम पे हम योग कर रहे थे उस टाइम पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। सो हे गाइस, फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा है पतंजलि में। और सुबह हम कितने बजे पहुँचे थे, हम वहाँ से निकले थे 3 बजे और यहाँ पहुँचे 4:45 पर, और 5 बजे से योगा स्टार्ट हो गया था हमारा और अभी कंप्लीट हो चुका है। अब घर को निकलते हैं, आप भीड़ को देख सकते हैं, कुछ दुकान लगी हुई है और आगे भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस है पतंजलि में आने का और बहुत अच्छा रहा यहाँ पर, और बहुत बड़ा है ये प्लांट उनका। इस फाइनली मैं देहरादून पहुँच चुका हूँ और काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पर, और आपको भी योग करना चाहिए। तो आपने देखा होगा मेरी वीडियो में पतंजलि हरिद्वार में, तो कैसे लगी आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे देखकर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो में, फिलहाल आप लोग अपना ख्याल रखिए।